आईपीएल 2022 के 46वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हरा दिया। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग की ये तीसरी जीत है। इस मैच में एमएस धोनी फिर से चेन्नई सुपर किंग के कप्तान के तौर पर मैदान में उतरे। दरअसल कप्तान के तौर पर इस सीजन धोनी का ये पहला मैच था। धोनी का फिर से कप्तानी संभालने का फैसला सही साबित हुआ और चेन्नई सुपर किंग ने इस सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड और डेविन कॉनवे ने 1 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच में सीजन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में इस सीजन में पहली बार खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे बड़ी शुरुआत मिली। दरअसल आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड और डेविन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 182 रन जोड़े। इस सीजन में ये किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। बता दें, ये जोड़ी उस वक्त टूटी जब ऋतुराज गायकवाड 99 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और शानदार सेंचुरी से 1 रन से चूक गए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 107 बॉलों में 182 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड ने इस दौरान अपनी पारी में 57 बॉलें खेली और 99 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड ने अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के जमाए। वहीं अगर डेविन कॉनवे की बात करें तो उन्होंने 55 बॉलों में 82 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल है। आपको बता दें, इस मैच में चेन्नई सुपर किंग की टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही थी और उन्होंने पुणे में हुए इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से मात देने में कामयाबी हासिल की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।